पटना हाईकोर्ट के बाहर हैं हम और यहाँ पर आज का दिन बेहद खास है। बिहार के 2.5 लाख से ज़्यादा उन युवाओं के लिए जो कि नौकरी चाह रहे थे लेकिन सरकार ने उनकी डिग्री को ही मान्य नहीं किया था। हाईकोर्ट ने उनके फेवर में जजमेंट दिया है। वकील हैं प्रिंस जी जो कि इस पूरे मामले को देख रहे थे। पूरा मामला पहले बताइए कि क्या था और जो जजमेंट आया है उसका सीधा प्रभाव किस तरीके से दिखेगा। आज माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय प्रभात कुमार झा की खंडपीठ ने जो NIOS DLED से जिन टीचर्स ने और जिस स्टूडेंट्स ने 18 महीने का जो प्रशिक्षण प्राप्त किया था डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन उसको सही पाया, उसको वैध पाया और हमारी याचिका को अलाउ किया। वस्तुतः केस यही था कि पार्लियामेंट ने सेक्शन 23(2) ऑफ द RTE एक्ट में अमेंडमेंट करके ये निश्चित कर दिया था कि जितने भी शिक्षक हैं वो सब प्रशिक्षित होने चाहिए। लेकिन जब यह कानून जब पार्लियामेंट ने बनाया तो उस वक्त मात्र 18 महीने बचे हुए थे, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम इन्विसाज किया और एक कोर्स तैयार किया और ये कोर्स कराने की जिम्मेदारी NIOS को दी गई और ये कोर्स 18 महीने में कंप्लीट कराया और पूरे भारत में 11 लाख शिक्षकों ने स्टूडेंट्स ने ये 18 महीने का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया। किंतु जब बिहार में नियोजन की प्रक्रिया शुरू हुई तो बिहार सरकार ने ये कहते हुए इनको नियोजन की प्रक्रिया से वंचित कर दिया था कि आपकी डिग्री 18 महीने की है और जबकि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का जो कोर्स है वो 2 साल का कोर्स है। लेकिन हम लोगों ने कोर्ट में ये साबित करने में सक्षम रहे कि ये जो कोर्स है ये 2 साल का कोर्स है, 24 महीने की चीज़ को 18 महीने में कराया गया है और सेक्शन 29(2) ऑफ द NCT एक्ट को पावर एक्सरसाइज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 18 महीने में रिलैक्स किया था और कोर्ट ने हमारी दलील को स्वीकार किया और कोर्ट ने फैसला जितने NIOS से DLED किए हैं उनके पक्ष में दिया है और कोर्ट ने कहा है कि इनकी डिग्री 2 साल की डिग्री है, इट इज़ गुड एज एनी अदर डिग्री ऑफ 2 ईयर एंड दे कैन अप्लाई। तो बिल्कुल ये वकील साहब हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जिरह की। आप लोग क्योंकि परेशान थे, नौकरी के लिए आवेदन जब किया तो कह दिया सरकार ने कि आप मान्य नहीं हैं और जब अब फैसला आ गया है किस तरह की खुशी है? सर पहले तो बहुत छटपटा रहे थे, बहुत परेशान थे, आज तो लग रहा है कि सर हम हवा में उड़ रहे हैं। लग रहा है कि सर का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले गला मिल के हम इनको स्वागत करना चाहते, बहुत सर ने मेहनत किया, जीरो से हीरो बना दिया। हम लोग सब तड़प रहे थे कि हम लोग का अमान किया गया था, हम लोग इतना परेशान थे, जुलूस धरना सब करके थक चुके थे। हमको न्यायपालिका पे भरोसा था कि आज न कल हमको न्याय मिलेगा, हम लोग लड़ रहे थे, आज हमको जीत मिली है। बजरंग बली का दिन है, मंगल बार का दिन है, जय जय हो पवन सुत हनुमान। आप बताइए क्योंकि बेरोजगारी जितनी बड़ी समस्या है और जब आपने कोर्स पूरा कर लिया और सरकार जब ये कह दे कि वो कोर्स वैलिड नहीं है और जब आज फाइनली जजमेंट आ गया है आप लोग के फेवर में, कैसी खुशी हो रही है? सर बहुत खुशी हो रही है सर। आज हम लोग जो है मतलब वो दिन हमें याद आ रहा है जिस दिन हमें यह कहकर बाहर कर दिया गया था कि आपका कोर्स ही वैलिड नहीं है, क्योंकि NCT रिकॉग्नाइज तो की है लेकिन 18 महीने के लिए की है। लेकिन आज प्रिंस सर और YP गिरी सर दोनों ने मिलकर यह साबित किया कि यह कोर्स 24 महीने का ही था, इसको 18 महीने में डिज़ाइन कराकर कराया गया और आज प्रिंस सर के बदौलत हम लोग हाई कोर्ट में अपना केस जीत गए। सर बहुत खुशी है, हम लोग के पास शब्द नहीं है कि हम लोग अपनी खुशी का इजहार कैसे करें। क्योंकि बिहार में तो 2.5 लाख के आसपास में ऐसे स्टूडेंट्स या फिर जो अभ्यर्थी हैं वो हैं लेकिन देश भर में इनकी संख्या 14 लाख के आसपास मानी जाती है। तो क्या इस फैसले का सर उन राज्यों में भी पड़ेगा जहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे कि हक में फैसला है? बिल्कुल हमें हमारे संज्ञान में ये बात लाई गई है कि उत्तर प्रदेश में भी इसी प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक वेरी पिक्यूलियर रीजनिंग कि 18 महीने का कोर्स के और वहाँ भी लोगों ने जिन लोगों ने 18 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, 2 साल के कोर्स को 18 महीने में कंप्लीट किया गया, उन लोगों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और अब इस पटना उच्च न्यायालय के फैसले का असर ये होगा। चूँकि ये पटना एक उच्च न्यायालय, एक हाईकोर्ट अपने आप में एक ये प्रेसिडेंट है, तो इसका लाभ पूरे देश में मिलेगा और इस जजमेंट को एक तासीर के रूप में वो लोग वहाँ साइट कर सकेंगे और इसका सबको बेनिफिट मिलेगा। तो बिल्कुल देखिए ये सभी लोग हैं जो कि खुश हैं और खुशी का दिन इसलिए क्योंकि
ढाई लाख के आसपास में इनकी संख्या है बिहार भर में, और तमाम लोग जो हैं वो लंबे वक्त से मांग कर रहे थे कि इनको नियोजन में इनको मौका मिले, लेकिन सरकार ने 24 महीने के कोर्स को 18 महीने का कहते हुए इनको नियोजन से बाहर रखा। अब इनके हक में पटना हाईकोर्ट से फैसला आया है, और फैसले के बाद जो अभ्यर्थी हैं, जो 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 स्टूडेंट्स हैं, वो बेहद खुश हैं। सहयोगी कास्ट के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।